रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नशे के सौदागर पर पुलिस ने अंकुश लगाते हुए कसा बड़ा सिकंजा, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने किया। कहा, गुप्त सूचना के आधार पर कुज्जू ओपी क्षेत्र राष्ट्रीय मार्ग स्थित से बीते रात 117 बोरा 2407 किलोग्राम भारी मात्रा में डोडा बरामद कर तीन आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा। पकड़े गए डोडा की कुल 3.5 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। बता दें कि रात्रि में पुलिस अधीक्षक रामगढ़ की डॉक्टर विमल कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि नशा तस्करों के द्वारा रांची की ओर से एक लाल रंग का छोटा ट्रक रजिस्ट्रेशन संख्या 3140213A 1998 में बड़ी मात्रा में डोडा लोड कर कुज्जू ओपी क्षेत्र से हजारीबाग की ओर ले जाया जा रहा है, जिसे एक सफ़ेद रंग का चार पहिया वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या JH01D149760 से निगरानी करते हुए लाया जा रहा है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक रामगढ़ के द्वारा अवैध नशा तस्कर के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ श्री परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुज्जू ओपी अंतर्गत रामगढ़ को हजारीबाग जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कोरिया घाटी मुख्य पथ के पास सतत रूप से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। कोरिया घाटी मुख्य पथ पर रांची की ओर से एक सफ़ेद रंग का महिंद्रा एक्सयूवी कार, जिसके पीछे एक लाल रंग का छोटा ट्रक जिसके ऊपर तिरपाल बंधा हुआ आते दिखाई दिया। सशस्त्र बल के द्वारा उक्त वाहन को रोकने हेतु इशारा किया गया, परंतु दोनों वाहनों के चालक के द्वारा वाहन ना रोककर तेजी से गाड़ी लेकर भागने लगे। संदेह होने पर तेजी से भाग रहे सफ़ेद रंग के एक्सयूवी कार एवं लाल रंग के छोटे ट्रक को गुरपा मोड़ से पहले सर्विस लेन पर पुलिस बल के द्वारा रोका गया, जिसके चालक के द्वारा पुलिस बल को देख वाहन छोड़कर भागने का प्रयास किया गया, परंतु सशस्त्र बल के सहयोग से दोनों वाहनों में सवार व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। छोटा 6 चक्का ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर JH02BA 1998 में बैठे चालक द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में अपना नाम बालेश्वर गंजू, उम्र करीब 40 वर्ष, पिता स्वर्गीय जीतन गंजू, कांसियातू चोरबोरा टोला थाना सिमरिया जिला चतरा बताया। भागने का कारण पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि इस गाड़ी में डोडा लोड किया हुआ है। पकड़ाए गए एक्सयूवी कार में बैठे व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया है कि उक्त वाहन में डोडा को परिवहन कर पंजाब ले जाया जा रहा था। ट्रक के जांच करने पर डाला के अंदर अलग अलग कुल 117 बोरा में कुल 2407.1 किलोग्राम अवैध डोडा धूर्ण अवस्था में ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर JH02BM 1998 के डाला में अवैध डोडा के ऊपर एवं पीछे की तरफ डोडा को कवर किया हुआ अलग अलग प्लास्टिक बोरा में कुल 25 बोरा चावल भूसी एवं एक्सयूवी कार रजिस्ट्रेशन नंबर JH01DH1997-60 के बीच के सीट के नीचे एक प्लास्टिक के थैले में कुल 1 किलोग्राम डोडा चूर्ण अवस्था में बरामद किया गया। अवैध डोडा तस्करी करना एक अपराध है, जिसके आरोप में एक चालक बालेश्वर गंजू, उम्र करीब 40 वर्ष, जीतन गंजू, कासियातू चोरबोरा टोला थाना सिमरिया जिला चतरा, दो आजम अंसारी उर्फ बबलू तर्फ सिंटू, उम्र करीब 22 वर्ष, आजाद अंसारी सुंदरू थाना कुंडू जिला लोहरदगा एवं तीसरा मोहम्मद राशिद उर्फ गोल्डन, उम्र करीब 24 वर्ष, मोहम्मद सुलेमान सिबला थाना बरियातू जिला लातेहार, डोडा तस्कर को विधिवत गिरफ्तार किया गया है एवं 4 जब्त ट्रक संख्या JH02BA 1998 का मालिक एवं XUV कार नंबर JH0IDH
9760 के मालिक के विरुद्ध मांडू यानी कुज्जू थाना में कांड दर्ज किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। नशा एवं मादक पदार्थ के विरुद्ध नियमित रूप से चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी मात्रा में अवैध डोडा की बरामदगी एवं तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। रामगढ़ से आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट। रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लाल रंग का छोटा ट्रक है जिसमें कि भारी मात्रा में डोडा लोड किया हुआ है और ये कुज्जू ओपी होकर के ये हजारीबाग की तरफ ले जा रही है और उसके साथ में एक सफ़ेद रंग का चार पहिया वाहन भी जो है वो उसके साथ में उसको आगे पीछे जो है उसकी निगरानी करते हुए आगे का जो है पुलिस पार्टी है कि नहीं है ये सब चीज़ें वो निगरानी रखते हुए जा रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी और जिसके बाद चेकिंग अभियान तेज किया गया और चेकिंग जगह जगह पर लगाया गया जिसमें कि पूरिया घाटी मुख्य मार्ग पर जो है वो इस ट्रक को पकड़ा गया और उसके कुछ देर बाद उसका जो एक्स महिंद्रा एक्सयूवी कार था जो उसके साथ ही था उसको भी रोका गया और उसके बाद जब तलाशी ली गई तो तलाशी में इस अशोक लीलैंड के 6-चक्का ट्रक जो JH02PM1998 से कुल 117 बोरा डोडा जिसका वज़न करीब करीब 2407 केजी से ज़्यादा ये बरामद हुआ। साथ ही साथ ये एक्सयूवी कार भी बरामद किया गया। नगद राशि भी 1 लाख से ज़्यादा की नगद राशि भी बरामद की गई। पूछताछ किया गया इनके पास कोई भी कागजात नहीं मिला और इसके बाद जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया उसमें चालक बलेश्वर गंजू जो कि चतरा का रहने वाला है, इराजम अंसारी उर्फ बबलू उर्फ सिंटू जो लोहरदगा का रहने वाला है और मोहम्मद राशिद उर्फ गोल्डन जो कि मुख्य तस्कर के रूप में जिसका नाम सामने आया है वो लातेहार का रहने वाला है। इन तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इनके आपराधिक इतिहास को जब देखा गया तो मोहम्मद राशिद उर्फ गोल्डन इसका परिवार इसमें इन्वॉल्व है इस तरह के डोडा की तस्करी में और पूर्व में भी इनके विरुद्ध बरियातू थाना जो लातेहार में है कांड संख्या 3624 और एक बालूमाथ में भी इनके विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। इसमें विशेष रूप से SDPO के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई, SDPO रामगढ़ के नेतृत्व में जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर मांडू, थाना प्रभारी मांडू, ओपी प्रभारी कुज्जू और भी कई पदाधिकारी और कर्मी इसमें शामिल थे। तो ये पूरा मामला जिसमें कि कुल 117 बोरी डोडा बरामद किया गया है जिसका कीमत जो अभी का गाइडलाइन है उसके हिसाब से 3.5 करोड़ से ज़्यादा इसकी कीमत है बाज़ार मूल्य के हिसाब से। बाकी हो सकता है कि ये हम लोगों ने अनुमानित इसका कीमत बताया है, बाकी हम लोग इसका जो भी प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी और इसमें जो भी शेष अभियुक्त इसमें बचे हुए हैं उन सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें जो मॉडस उनका था पहले क्या इनका था इन सभी बिंदुओं पर ये कहाँ कहाँ जा रहा था जो भी लगा है कि ये पहले इनका जो इनकी मोबाइल्स वगैरह से बरामद हुआ है कि पंजाब जा रहा था तो इन सभी चीज़ों पर अनुसंधान किया जाएगा। इनका ये मोडस था कि जो चावल की भूसी होती थी उसको छुपा करके उसमें रखते थे, उसके बीच में ये डोडा रखते थे और ऊपर में चावल की भूसी दिखाई पड़ती थी और उसी का एक पेपर ये बना करके चलते थे जिससे ये पता ही नहीं चलता था ये वास्तव में जा क्या रहा है। अगर आप पहला दूसरा लेयर देखिएगा तो ये पता चलेगा कि चावल की भूसी जा रही है पर ये वास्तव में ये डोडा की सप्लाई करते थे। इस तरह की